हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमविंग्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे 1 से 20 एलिमेंट्स के बारे में, जो कि आपका साइंस का या केमिस्ट्री का जो भी बोलना चाहो वो पार्ट है आपका। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स के डबल स्टार लगा रखा है और किसी के अंदर 1 स्टार लगा रखा है, मतलब कि कुछ स्पेशल टाइप की बात करेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। जिसमें मैंने डबल स्टार लगा रखा है मतलब ये इनके लैटिन नेम से स्टार्ट होते हैं, और किसी पे मैंने स्टार लगा रखा है मतलब यहाँ पे एक ही एलिमेंट की डबल स्पेलिंग है, ठीक है। तो कौन सी स्पेलिंग सही रहेगी, दोनों ही सही है या फिर क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ सिंबल्स को एक लेटर से लिखा गया है और कुछ सिंबल्स को डबल लेटर से लिखा गया है, तो इनके अंदर क्या बात है, क्या रूल फॉलो कर रहा है आयुपेक इनके सिस्टम के अंदर, या पहले के साइंटिस्ट ने क्या सोच के इनका सिंबल ये रखा है। तो इन तमाम बातों की हम बात करेंगे, जिससे कि आपके 1 से लगा के 20 तक एलिमेंट्स के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप लाइफ में कभी भी इनको नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले हम रूल्स की ही बात कर लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम नाम लिखते हैं तो क्या रूल फॉलो करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कुछ एलिमेंट्स है आपके पास और इनका नाम सोचो, आप क्या सोचोगे। जब आपके पास बहुत सारे नाम हो या आगे फ्यूचर में और डिस्कवर होने की बात हो तो आप कैसे रखोगे, किसी एलिमेंट का किसी फर्स्ट लेटर से रख दोगे, फिर जब मान लो वो कॉमन मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड लेटर को ले सकते हो। अगर मान लो वो भी कॉमन मिलेगा तो आप क्या करोगे, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर का यूज करोगे। या फिर आगे और आप जाओगे 20 एलिमेंट से आगे तो कुछ एलिमेंट्स का नाम फेमस सिटीज़ के नाम पर रखा गया है, जैसे कैलिफोर्नियम एक एलिमेंट है जो कैलिफोर्निया सिटी है उसके नाम पर रखा गया, जैसे RF रदरफोर्डियम किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। तो इस तरह से तमाम इन रूलों का ध्यान रखते हुए एलिमेंट्स का नाम रखा गया है। कुछ एलिमेंट्स का नाम लैटिन नाम के ऊपर रखा गया है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम, नाम सोडियम है लेकिन इसका जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम होता है, उसके ऊपर रखा गया है। तो इन सब की बातें हम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो क्या है, हाइड्रोजन, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल एच है। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो यूज किया गया है। अब ध्यान रखना, कभी किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर जब भी आप यूज करोगे तो हमेशा किस में यूज करोगे, कैपिटल लेटर के अंदर। अगर आपने स्मॉल लेटर में कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर को जब भी आप लिखो तो कैपिटल लेटर से लिखोगे। अगर किसी एलिमेंट में एक ही सिंबल है, एक ही लेटर है तो भी आप कैपिटल लेटर से लिखो। दो हो तो फर्स्ट को कैपिटल से और सेकंड वाले को स्मॉल से। जैसे कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे पास हीलियम, हीलियम को क्या लिखा गया है, फर्स्ट लेटर H जो कि पहले रिपीट हो चुका है, तो इसका सेकंड लेटर भी हमने यूज ले लिया, तो ये आपका हीलियम का सिंबल हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कैपिटल और सेकंड वाला स्मॉल लेटर के अंदर है। अगर आपने ऐसे लिख दिया इसको दोनों ही कैपिटल, तो ये और ये अलग अलग एलिमेंट माना जाएगा, एक एलिमेंट नहीं माना जाएगा। एक एलिमेंट तब माना जाएगा जब आप इसको फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल में रखोगे। तो ये एलिमेंट को नाम लिखते समय या सिंबल लिखते समय आपको ध्यान रखना है। तीसरा एलिमेंट है लिथियम, इसका सिंबल होता है Li, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड लेटर से इसका नाम रखा गया है। फोर्थ है बेरिलियम, BE, फर्स्ट और सेकेंड लेटर से इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है बोरोन, एक ही लेटर, फर्स्ट लेटर से इसका नाम रखा गया है। कार्बन C, फर्स्ट लेटर से इसका नाम रखा गया है। नाइट्रोजन, फर्स्ट लेटर से। ऑक्सीजन, फर्स्ट लेटर से। फ्लोरीन, फर्स्ट लेटर से। नियोन, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर से। तो यहां पे तो फर्स्ट और सेकंड लेटर से ही नाम रखा गया है 1 to 10 एलिमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट अब देखो डबल स्टार सोडियम, इसका सिंबल क्या होना चाहिए था, या तो S होना चाहिए था या S होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, वहां पे सिंबल आ रहा है Na। इसका मतलब इसका एक लैटिन नाम और है जिसका नाम है नेट्रियम। तो सोडियम का लैटिन नेम भी आपको याद करना है, सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है, नेट्रियम होता है, और इसका सिंबल क्या होता है, Na। क्लियर है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम के अंदर M भी नहीं रखा है, Na भी नहीं रखा है, मतलब फर्स्ट और थर्ड लेटर का यूज करके इसका सिंबल दिया गया है, तो ये भी अलाउ है। साइंटिस्ट ने क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड लेटर से भी बहुत सारे सिंबल्स को दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर पे स्टार लगा हुआ है एल्यूमिनियम या एल्यूमिनम,
अब दोनों ही स्पेलिंग सही है। ये स्पेलिंग तो जो है आपका एल्यूमिनियम, और हमारे पास एल्यूमिनियम और एल्यूमिनम। एल्यूमिनम तो क्या है, 1925 के अंदर ACS, अब ACS क्या है, अमेरिकन केमिस्ट्री सिस्टम है, उन्होंने ये नाम क्या किया था, एडॉप्ट किया था। फिर उसके बाद 1990 के अंदर IUPAC ने इस नाम को एडॉप्ट कर लिया। अब ये तो अमेरिका के अंदर की बात कर रहे हैं, और ये IUPAC जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो इसका अगर हम बात करें तो सबसे यूनिक नेम, या हम बोल सकते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग एडॉप्टेड नाम कौन सा है, एल्यूमिनियम। तो आपको इसको प्रीफर करना है, और बाकी आप ये भी लिख सकते हो। तो दोनों ही स्पेलिंग सही है, ज़्यादा सही कौन सा है, जो IUPAC बोलता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सिलिकॉन, ऐसा ही, फॉस्फोरस पी, सल्फर और सल्फर। देखो दोनों के दोनों आ गए यहाँ पे, दो स्पेलिंग है इसकी भी, तो वही एक तो आपका हम बोल सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर ये यूज किया जाता है, यानी कि इंग्लिश इंडिया के अंदर, या आप बोल सकते हो साउथ अमेरिका के अंदर भी यही यूज किया जाता है, बट IUPAC बोलता है हमने ये एडोप्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सल्फर की ये स्पेलिंग सही है, और अकॉर्डिंग टू साउथ अमेरिका या इंग्लिश इंडिया के अंदर ये वाला यूज किया जाता है, बट सिंबल क्या है इसका, फर्स्ट लेटर S। नेक्स्ट है क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम, अगेन इसका लैटिन नेम केलियम है, और केलियम के अंदर से के लिया गया है फर्स्ट सिंबल, पोटेशियम का क्या है, केलियम, और कैल्शियम है हमारे पास फर्स्ट सेकंड लेटर से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लगा के 20 तक अगर हम बात करें तो 2 एलिमेंट्स या 2 एटॉमिक नंबर ऐसे हैं, कौन कौन से, एक तो आपका 11 और एक 19, जिनके सिंबल इनके लैटिन नेम पे रखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का क्या होता है नेट्रियम, और पोटेशियम का क्या होता है केलियम, इनसे रखे गए। और कुछ एलिमेंट्स के फर्स्ट और थर्ड लेटर से, जैसे एग्जांपल आपका मैग्नीशियम, बाकी फर्स्ट और सेकंड लेटर से रखा गया है। और दो के अंदर मैंने स्पेलिंग का आपको बता दिया है कि इन दो के अंदर स्पेलिंग आपको कुछ भी दिखे, दोनों ही राइट है। ये किस पर्पज से राइट है और ये किस पर्पज से राइट है, ये भी आपको क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो या फिर 1 to 20 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए बहुत सारे टीचर्स ट्रिक बताते हैं कि ये ट्रिक है याद कर लो, ये ट्रिक है याद कर लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि 1 से लगा के 20 तक एलिमेंट्स को आप बिना कॉन्सेप्ट के कभी याद मत करो, कॉन्सेप्ट से याद करो। धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे। बस ध्यान रखना, इधर वाले एटॉमिक नंबर है, ये आपका एलिमेंट का नाम है, और ये एलिमेंट का सिंबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। थैंक यू।